कम हो गया ना जी मैम जी। मेट्रो का वाटर मेल हम काट लेंगे लाल हो गए चलो ये देखे फ्रेंड्स ये देखे ये देखे काट कर बस लेकर आ रही हूँ इसे काट दो सब रुका मकाम यस yum 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 जैसे हमारी मानो को ना जी हमारी मानो को चिकन दो तो करती ये देखिए अपने एकदम लाल गर्मियों में ना ये बहुत अच्छा था पानी की पूरी कमी कर देता पूरी यस इन ग्लो करता है पानी की कमी पूरी करता है गर्मी का तोड़ है यस डिहाइड्रेशन बॉडी को ऐसे ना चाट सादा डाल के खाओ तो मजा ही आता है चलो सर्व करो हेलो जी पापा जी पापा ला रही हूँ अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लड में उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लड चैनल पर मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को वॉच किया करें वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें कमेंट्स में आप अपनी
कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर हम दोनों आपके कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू। हमारा दूसरा चैनल है आसिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो जो है अच्छी लगेंगी। उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ब्लू ब्लडेड न्याजी नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आखिर हम लाए हैं इवनिंग टू डिनर टाइम। इवनिंग में सिस्टर ने बनाई है अच्छी सी चाय, ये सिस्टर ने तैयार की है। मैं इसे सर्व कर रहा हूँ और चीनी डाल रहा हूँ वालिद साहब के लिए। फीकी निकाली है, चीनी के बगैर वाली निकाल ली है फीकी, सही है जी। बाकियों में चीनी चलेगी। ठीक है, और आज हम बना रहे हैं शाम को अच्छा सा चिकन रोस्ट, है ना। यस, चिकन हालांकि आजकल बहुत महंगा चल रहा है, पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और चिकन खा भी रहे हैं, और हमारी कैट्स है ना वो भी नीरज चिकन खाती हैं, यानी कि ओरिजिनल उन्हें फूड या हम असल चिकन देते हैं, है ना जी। बिल्कुल। तो ये देखिए, चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमारे घर में रोज फ्रेश गोश्त आता है, रोज फ्रेश जो है चिकन आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया था हमने, ये तकरीबन 3-4 चिकन है। ठीक है, इनको हमने अच्छे अच्छे जो पीस थे ना वो लेकर इनको हमने ओवरनाइट मैरिनेट कट लगाया है। पहले मैंने कट लगाया था, इस दफा मैंने मैरिनेट किया। वैसे ज्यादातर सिस्टर मैरिनेट करती हैं और चिकन रोस्ट बनाती हैं, सिस्टर से मैंने रेसिपी ली और सेम एज इट इज मैंने इसे क्या कहते हैं मैरिनेट किया। ठीक है सिस्टर मेरी, ये जो हम ये तो हम कैमरे के सामने बना रहे हैं रोस्ट, हमारे घर में रोस्ट या फिर जो है ना चूल्हे पे बोटियां रोज भून लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं। ठीक है जी भाई, ये रोज ही हो रहा है, चिकन हम रोज ही खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तकरीबन 3-4 चिकन है और ये सिस्टर की रेसिपी है चिकन रोस्ट बनाने की। इसके लिए हमने चिकन की स्पेशल पीसेस लिए थे, जिसमें था लेग पीस, थाई पीस और चेस्ट पीस, ठीक है, और विंग्स थे। ठीक है, उनको हल्का हल्का कट लगाया, कट लगा के फिर इसमें मैंने डाला सिरका, सिरका सोया सॉस, चिली सॉस, दही डाला है, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है लेमन डाला है, काली मिर्च डाली है, रेड मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स डाली है, गरम मसाला डाला है, और जीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और रेड फूड कलर डाला है, और इसमें हालोपिनो पेपर्स थोड़ी सी डाली है, और इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया था। ठीक है, जितनी अच्छी ओवरनाइट मैरिनेट होगा ना उतना ही अच्छा जो है वाइट मीट बनता है, जूसी जूसी बनता है। ठीक है, यस, और साथ इन मसालों को बाइंडिंग के लिए हमने बेसन लगाया। यस, अभी लास्ट में सिस्टर ने इसमें बेसन डाला है बस। ठीक है, और इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट रखा है, जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे ना उतना ही अच्छा रोस्ट तैयार होता है। ठीक है, यस। अच्छा, रोस्ट हमारे घर में बनता भी रोज है और बाजार से भी आ जाता है। भाई जुनेद कल लाए हुए थे, सेवर वाला है ना। बिल्कुल भाई, सेवर वाला चिकन रोस्ट। ये देखिए, इसमें स्पेशल स्पेशल पीसेस है सारे, ये देखिए, ये देखिए, हाथ लगाते ही बोटी जो है ना बड़ी टेंडर और जूसी टाइप की है ना। बिल्कुल भाई, तो ये अंदर तक कुक भी होगी, अगर नाइट मैरिनेट करेंगे ना तो अच्छी कुक होगी, और फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए तेल जो है अच्छा लेना चाहिए, कंजूसी करेंगे तो फिर फ्राई अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू और वो चाट मसाला। ठीक है, ठीक है, हमारे पास आमचूर पाउडर है वो डालेंगे। ठीक है, ये हमने चिकन डाल दिया, और हल्की आंच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तेज आंच नहीं, ये पकेगा क्योंकि ये ओवरनाइट मैरिनेटेड है। ठीक है, ठीक है, चाय बन गई है, इधर एग्स भी बॉयल पड़े हुए। ठीक है, और चाय सर्व करते में कप ले लूँगा, फ्रेंड रोज डाला है फ्राई होने के लिए, और इधर कप्स लगा लिए चाय सर्व करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, और सिस्टर ने हमें अभी पिलाई थी मीठी लस्सी, है ना, बिस्मिल्लाह पानी दे। चाय भी रेडी होगी। यस,
इधर बन रहा है यमी यमी रोस्ट, इसको एकदम चमचे वगैरह नहीं चलाते, फ्राई होने देते। जब एक तरफ से हो जाएगी तो फिर चम्मच लगाएंगे, अगर कच्ची पे चम्मच चलाएंगे ना तो मसाला उतर जाता है। चाय वगैरह सर्व हो गई है, अब हम पलट लेते हैं अपना रोस्ट। ये देखिए ये एक तरफ से हो गया फ्राई, ठीक है, और ये बड़ा ही जूसी बनता है हमारे घर में, तो ये रोज ही बन रहा है। सिस्टर बड़ा ही मजेदार बनाती है, सिस्टर बनाती है ज्यादा ना। ये देखिए ये हमने मिक्सी मिक्सी कर लिया, वैसे मिक्सी की है तो देखिए मसाला उतर रहा है साथ से, है ना। ये होने देते हैं फ्राई, सही है। तो दूसरी तरफ आज हम बना रहे हैं डिनर में अंडा करी। अंडा करी यानी के अंडा कारी भी उसे, हमारी जो पोटवारी लैंग्वेज है उसमें कहते हैं अंडा कारी, वैसे अंडा करी होता है, करी यानी के CURRY करी जो इंग्लिश का लफ्ज होता है, यानी के सालन, अंडे का सालन, ठीक है। तो वो बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए कुकिंग ऑयल, और प्यारी सिस्टर ने लहसुन छीलकर चॉप किया है, प्याज छीलकर चॉप किया है, हरी मिर्च चॉप किया है, टमाटर रखे हैं। अभी हमने अंडे जो है बॉईल करने हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। ये चली जाएगी इसमें प्याज, प्याज और ये लहसुन, बस थोड़ी, ये कितनी फूल, एक 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 दोनों एक, ठीक है। लहसुन थोड़ी जाती है, ठीक है, यस। इसको हम सोते कर लेंगे, है ना, यस। जो सब्जी के लिए लहसुन प्याज होता है उसे थोड़ा सा हल्का सा पकाया जाता है, ब्राउन नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं तो हांडी का लिया जाता है। ये भी हो गया हमारा, मेरी चाय पड़ी है इधर, क्योंकि मैं इसका एंजॉय करूंगा साथ साथ, सही है, यस। और अब अपन ने क्या करना है, नाइस अदरक नहीं चाहिए बेटी, अच्छा मिला दो, देखो ये है अदरक भी है, बस थोड़ी सी अदरक जाएगी। अच्छा मेरी थोड़ी थोड़ी कट्टे भी ना, चीज़ ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा है ना। और नाश्ता ले लेते हैं, और इसमें अदरक को कूट लेते हैं, कूटो कूट करते हैं। फ्रेश फ्रेश अदरक हमने कूट ली, और ये देखिए बस ये लहसुन प्याज का दौर है, थोड़ा सा और हो जाए, रोस्ट भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंडा करी के लिए टमाटर का, टमाटर चॉप कर, ठीक है, कितने प्यारे टमाटर है ये, ये इसमें चलेगी अदरक, और ये चलेगी हरी मिर्चें, ये तेज वाली नहीं नहीं हल्की, यस, सारी डाल देंगे, थोड़ा सा रोहित को कुक करना, थोड़ा सा कुक होने देते हैं, तब तक मैं रोस्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, गोल वाले थाल में, है ना। देखिए ये फ्राई हो गया, बस इसे बहुत फ्राई नहीं करना, नहीं तो सूखा सूखा बनना, ये किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। हम इधर हमारे घर के करीब ना वो खुल गया मरकज़ में, हमारे इधर
मरकज में ना वो खुला है, क्या कहते हैं KFC, तो हम उससे जिंगर बर्गर ये वो रोस्ट ब्रोस्ट जो है लेते रहते हैं, फीका फीका होता है ना जी भाई। ये दिखाओ, ये इसमें टमाटर छोड़ दियो ठीक है, और उसमें चिकन छोड़ दूँ ठीक है जी भाई। ये हमारा सेकंड बैच, ये देखो कैसे काट लगाए हैं लेग पीस ठीक है। देखिए मसाला किस तरह से साथ चिमटा हुआ है ना, चिमटा है बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ये मानो को पता जी लग रहा है सेकंड वाइज भी चला गया ठीक है। यस चेक करो जरा, चेक करो जरा, पहला वाला रोस्ट निकला है, दूसरा फ्राइंग के लिए डाला है। अब डाल लेते हैं अपने अंडा करी में मिसाले, मिसाले सबसे पहले सॉल्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़नी चाहिए इससे बरकत होती है जी भाई बिल्कुल। फिर हल्दी पाउडर, यस रेड चिली, रेड चिली पाउडर, ठीक हो गया। यस चला जाएगा इसमें ये गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ठीक है, ये लास्ट में भी थोड़ा सा जाएगा और पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ जीरा ये भी होममेड है। हाँ ये सिस्टर ने रोस्ट करके और पिसा हुआ ठीक है सही है जी। बस सिंपल से अंडा करी के मसाले होते हैं, इसमें आखिर में थोड़ा सा ना तो वो हरा धनिया और गरम मसाला जाता है ठीक है। यस सिंपल सी इसकी रेसिपी और यमी है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए ये पक रहे हैं और यहाँ से एक गिलास में पानी ले लेते हैं, रोस्ट भी हमारा बन गया ठीक है। थोड़ा सा मसाला भूनना है ड्राई वाला, ये हमारा चाट मसाला है ठीक है। यस और ये हमारे नींबू, नींबू है ये ओरिजिनल नींबू है देखें, और इसके अलावा वाले साहब लाइम भी लाए हैं, लाइम बड़े बड़े होते हैं मेट्रो से काफ़ी महंगे हैं ना। यस ये भी महंगा है, असल नींबू महंगा है, जो खट्टी है ना वो सस्ती है, पर वो लाए है रस के बगैर निकली है ना जी भाई बिल्कुल, पर उसका भी हम नए सिस्टम की यूज़ कर रहे हैं कि हम कावे में डाल लो, कावे में भी और सालनों में भी डाल जाता है। हाँ सालनों में भी, और लेट नाइट जो कावा बनता है ना लास्ट वाला बेड से पहले, बेड टी जिसे कहते हैं जी, उसमें डालते हैं, उस पे डाल लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स मैं तो ये खूब नींबू है ना जी भाई, ये देखो ये भी आप थोड़ा सा भून लेंगे ठीक है, मसालों को भून लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा, सूखे मसाले भूनने जरूरी है उसमें। अब इसमें पानी डालेंगे क्योंकि टमाटर हमें थोड़े से गलानी है, फिर ठंडे उबाल के इसमें डाल देंगे मसाला। यस नहीं पहले आलू डालेंगे, आलू पक देंगे, जब आलू डन हो जाएंगे फिर लास्ट में इसमें अंडे डालते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्योंकि अंडे सख्त हो जाते हैं ठीक है ठीक है। और ये वाला जो है ना नेक्स्ट बैच, ये हम अल्टी पल्टी कर लें, अल्टी पल्टी कर लें, आजकल हम देखते हैं ना इंडियन में लोग उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है अल्टी पल्टी, तो पल्टी पल्टी है ना, यकीन माने मैं तो जरासीमों को कीटाणु कहने लग गया था, कीटाणु वो कहते हैं ना कीटाणु कितने हैं, इसको हमने अल्टी पल्टी कर लिया कर लिया।
कुछ की है, कुछ मिक्स सब किया है, ठीक है। और यहाँ पे रोस्ट बहुत मजेदार, तबाही है, तबाही तबाही है ये। ओहो जी, याद ही नहीं। अच्छा ये बोले जी, डालूं जी जी। रोस्ट जो है ना नींबू और चाट मसाले के बगैर अधूरा, ठीक है। और चटनी हमारे घर में पसंद नहीं की जाती, बहुत दफा बनी है और पड़ी रह जाती है चटनी, लवर्स हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ये है दही पड़ा हुआ है, दही में काली मिर्च डाल के दे सकते हैं या फिर वैसे खा सकते हैं, एंजॉय करेंगे शाम को, ठीक है। चलो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू पील कर लिए हैं, ठीक है, पील करके धोने क्योंकि अब आलू जाएंगे, ठीक है। इधर हमारा देखिए पहला रोस्ट जो है सबको चला गया प्लेटों में, अब सेकंड वाला निकल रहा है। यस, और बहुत मजे का भाई, बहुत मजे। हाँ, ये वैसे ही शाम को बना रहे हो, ठीक है, डिनर में ये नहीं है, रोटी के साथ ही खाते हैं, हम वैसे ही खा रहे हैं, ये वैसे ही खा रहे हैं। रोटी तो अंडा करी सिखाएंगे और बैंगन भी, बैंगन भी बने, सिस्टर ने बैंगन आलू भी बनाए हैं, है ना। यस, ये गर्मा गर्म निकाला, ये हमारा लॉक सिस्टम है ना जी भाई। और ये हमारा लास्ट बैच, यस लास्ट बैच। ये देखिए मैंने इसमें नींबू ना छिलके के समेत भी डाले थे ताकि बीच में अर्क रहे, हाँ टेस्ट चला जाए। और वाले साहब जो है ना चिकन बहुत अच्छा लाते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा भी चिकन नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता, बड़ा अच्छा ही पक जाता है। बहुत छोटा भी हो तो सूखा सा होता है, बहुत छोटा होता है उसमें बोटी नहीं होती, वैसे ही होता है, और बहुत बड़ा हो खोखला सा होता है उसमें टेस्ट ही होता है ना, है ना। और अब ये जो बाकी बचते हैं ना इनमें फ्राइज बना सकते हैं, अभी फ्राइज बनाएंगे थोड़े, मैं और सिस्टर खा लेंगे, ठीक है। इस मसाले में ना फ्राइज बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये वाले आलू हो गए हमारे, ये आलू हमने ठंडा करी में डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कौन है ये, अब ये दिखाओ मसाला बन गया, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम काट लेते हैं आलू, इस तरह से हमें अंडा करीबे ना बड़ी बड़ी आलू डाल देते हैं, ठीक है। यस, जैसे ये बस इसकी क्या रोज सा खुशबू आ रही है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अंडों को भी उबालना है मेरे पास, यस बस ये फ्राइंग का आखिरी उतरेगा साथ अंडे कर देंगे, इतने में हमारे आलू भी हो जाएंगे, सही है। अंडे तो हमने बिल्कुल लास्ट में डाले, जी जी बिल्कुल, थोड़ी सी करी पका फिर अंडे डाल। आलुओं को थोड़ा सा भूनना है क्योंकि आलुओं में होती है थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे और इसमें डालेंगे नींबू और चाट मसाला। यस, हमारे नींबू जो है ना बहुत अच्छे रस वाले हैं। थोड़ा लेंथी का ठीक है मसाला डाल दो, ये ना ये गरम गरम, चलो गरम गरम पे ही मसाला डालना है, ठीक है। यस, और ये देखिए इधर मैं आलू को थोड़ा सा भून रहा हूँ, चलो
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा आलू को भूनना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आलू में होती है कच्ची सी ही। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने रोस्ट भी खा लिया और जो मसाला बचा था उसमें फ्राइज भी बनाए, बहुत मजेदार बने। सिस्टर कैसे बने? भाई बहुत मजे के बने। रोस्ट कैसा था? रोस्ट बहुत मजे का था। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी जो है अंडा करी बन रही है, दिखाओ जरा क्लोज आ जाओ। ये देखिए हल्की आंच पे रखी है, आलू जो है पक रहे हैं अच्छे से। अब जो है ना अंडे रख लेते हैं, ठीक है, बॉयल होने दीजिए। जी भाई अंडे इसमें बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जब सब कुछ डन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, दो अंडे काट के डालेंगे, बाकी सब साबुत डालेंगे। ये वाले दो पहले सिस्टर ने अभी बॉईल किए थे चाय टाइम के साथ, तो वो दो भी डाल देंगे, ठीक है। ये ठीक है, बस अब अंडे बॉईल करते हैं, तकरीबन 10-1 मिनट करेंगे, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। एग्स भी बॉइल्ड हो गए, ठीक है जी भाई, बहुत ज्यादा भी बॉइल नहीं करना, पर इसमें थोड़े ना सख्त अंडे होने चाहिए, ठीक है। ये हम अंडे पानी जो है गिरा लेंगे और अंडों को ऐसे थोड़ी देर ठंडे पानी में छोड़ते हैं, देखो थोड़ी देर नलका चला के और ये हमारा रजनिया है, देखिए ये सिस्टर कैसे रखती है, इसको ग्लास में रखती है ना जी भाई, इसको हम धो लेते यहाँ से ले लेंगे नाइफ। यस देखिए ये गट्ठी जो है ना इसी तरह पानी में रखी थी, देखिए कितनी फ्रेश है ना, इसमें लास्ट में रजनिया और थोड़ा सा गर्म मसाला जाएगा हमने डाला हुआ है, सही इसका पानी ठंडे पानी में थोड़े कुछ इसमें डेड लीव्स है वो निकाल देंगे, ठीक है, मिट्टी का डला देंगे। ये हो गया साडा धनिया, धनिया ये थोड़ा सा नुचड़ के करता था, अंडे जो है कर लेते हैं, ये भी दो अंडे ये पहले के उबाले थे, सही है। कितना अच्छा छिलका रिमूव हो रहा है, ये मुझे सिस्टर ने तरीका बताया था, ऐसे भाई थोड़ा सा ना हर तरफ से टैप टैप कर ले, इजीली हो जाता है, बल्कि जो झिल्ली सी है ना वो भी उतर गई है, उतर गई बिल्कुल। तो जबरदस्त सी अंडा करी भी बन के रेडी है, बस सिस्टर रोटियां बनाएंगी है ना जी बिल्कुल भाई। ऐसे ही यू लेना, ठीक ठीक टैप टैप करने से ना अंडा बहुत अच्छा छिलका भी उतर जाता है और ऊपर जो झिल्ली है ना
जी प्लग से नहीं उतारनी पड़ती और अंडा जाया भी नहीं होता इसका वाइट पार्ट। ठीक है यस। चलो मैं चीज लूँ अंडा। जी भाई देखिए फ्रेंड्स अंडे छील लिए और ये देखिए हरा धनिया के लिए ना कप में पानी बदल लिए। अब इसको दोबारा इसी तरह रखेंगे तो ये फिर और फ्रेश रहेगा। ये देखिए कितना हरा लग रहा है हालांकि इसे आए हुए हफ्ता हो गया होंगे 2 वीक्स हो गए। यस देखिए फिर भी कितना हरा है। जी बिल्कुल है ना। अब ये दिखाओ करी इसमें अंडे डालेंगे। अंडे डाल देंगे वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। ठीक है ये देखिए आलू भी गल गए हमारे मोटे मोटे आलू रखे हमने। सही है yes. अब इसमें क्या करेंगे ठीक कुछ अंडे साबुत जी और कुछ तोड़ के डालेंगे। ठीक है ये बाकी तोड़ के साठ देंगे तोड़ के भी डालना जरूरी है। ठीक है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और इसमें चला जाएगा। अब लास्ट में हरा धनिया कितनी जबरदस्त हमारी अंडा करी बन के अंडा करी रेडी। सही हो गया yes. ये चला गया इसमें धनिया लास्ट में हरा धनिया थोड़ा मुझे बारीक करना। ठीक है ये देखो ये चला गया हरा धनिया। सही है ये जो मोटा मोटा रह गया इसे भी चॉप कर लेंगे थोड़ा चॉप कर लेते बारीक। चलो जी भाई ये चला गया हरा धनिया सारा yes. और अब डालेंगे सिस्टर रोटियां मजेदार रोटियां और इसमें लास्ट में थोड़ा सा बस गरम मसाला ताजा पिसा हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है पर हमारे पास ये घर का ही पिसा हुआ है ये भी अच्छा है। ये देखें अंडा करी बन गए रेडी रेडी। चलो देखिए फ्रेंड्स सिस्टर रोटियां बना रही हैं बिस्मिल्लाह खान जी ये देखें सालन डन हो गया ना जी डालो ना जरा हमारी बन गई है रोटी डालो रोटी डालो अब अंडा करी सर्व करेंगे बिस्मिल्लाह खान ये देखिए मिक्स करके डालें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ये
राइट।